इंग्लिश लैंग्वेज जो है, कोई भी लैंग्वेज, वो जीने का है, मतलब सीखने से ज़्यादा वो जीने का, करने का है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा क्लासेस, जब तक फायदा नहीं होगा आपको। जब यहाँ मौका मिल रहा है इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, ये सर को देखिए बोले, कोशिश किए, आप रुकने लगे तो उनको हटा के दूसरे रिप्लेस कर दिया। मुझे लगता है कि अभी सीखने का मौका है, गलती करते रहिए, सीखते रहिए। उनको और मौका मिलना चाहिए था, मोटिवेशन टीम का मिलना चाहिए था। सुनता मैडम बोले कि रुक गए, उनको टीम नहीं बोलना है ऐसे करके, और नए नए लोग आए और हमेशा बोले का होना चाहिए। जितना बोलिएगा आपस में बात कीजिए, ग्रुप में है तो जो लाइन अपने कक्षा शुरू कीजिए, तैयारी करके पॉइंट अगर सब बोलिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंग्लिश में बोलिएगा, बात कीजिएगा। कुछ कुछ अच्छी अच्छी किताब होती है, कॉमिक्स होती है इंग्लिश की, वो पढ़िएगा, कहानी से जुड़ जाइएगा। बहुत सारे रास्ते हैं सीखने का, अगर सीखना चाहिएगा करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये आपके खुद के लिए है, ये कोच के लिए नहीं बोला कि डेली स्कोर पास करना है क्या, आपके लाइफ के लिए, होल टाइम लाइफ पे काम आएगा। अब घर में, परिवार में, बच्चों में, सबके सबके लिए आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, इसको समझिए। बहुत के बीच में बहुत को लेके मत देखिए, आप खुद के लिए देखिए, वो इसके लाभ में होनी चाहिए और आप प्रयास करते रहेंगे। आप प्रयासरत रहेंगे तो केरला के टीम का उससे भी बढ़िया टीम कोई आएगा तो आप बहुत अच्छा से बहुत अच्छा पढ़ेगा। एक चीज और मैं कहना चाह रहा था, अगले जो कल कुछ कहेंगे, क्योंकि बोलने से पहले, मतलब हम सभी शिक्षक हैं, सबको क्लास में पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने से पहले ना आप ये देखिए कि आपकी लंबाई का इतना बड़ा शीशा हो, ठीक, आपकी नज़र शीशे पे हो और ये आँख और वो आँख दोनों मिलती रहे, फिर आपको जो पढ़ाना है उसको आप वहाँ पे रिहर्सल करें। तो जाहिर सी बात है कि जब भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आगे अगर 500 लोग मिलेंगे तो आपके पैर नहीं लगेंगे और शब्द भी नहीं लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि कम्युनिकेशन करने के लिए बड़ा सा शीशे के सामने। मेन बात स्टेशन से ज्यादा है सर के, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, जो वर्ड प्लेसमेंट जो होता है वो हम लोग के पास स्पोकन और वही वर्ड, मतलब वो जो तरीका है वो बताने का, वो लिखने का, मतलब दोनों वर्ड पावर कमजोर है, नहीं ये तरीका जो है वो हिंदी और हिंदी से पहले जो कोई भी भाषा कोई भी भाषा जोड़ी है, हम टाइम से मेरे यहां बता देते हैं उसको खत्म करना होगा। अब बोल रहा आई एम जाइंग खाइंग वो भी कीजिए, मतलब उसके सामने अगर दो तौर के पढ़िए, मतलब वो है वैसे धीरे धीरे पढ़ेगा। कहने का मतलब अगला कार्यशाला का विषय होगा, हम आज ही बता दे रहे हैं, चार जो लेटर्स हैं राइटिंग और टाइपिंग का, ये सब लोग उसको कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लीजिएगा और अभ्यास भी कर लीजिएगा, क्योंकि समूह बनाएंगे तो उस दिन चार समूह होगा और चारों समूह में किसी को टाइपिंग मिलेगा, किसी को राइटिंग मिलेगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं क्या कहूँ कि बहुत जो शिक्षक बहुत दिन काम कर चुके हैं अंग्रेजी के शिक्षण काल, वो भी कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। और आप देखिएगा कि टाइपिंग वाला जो जी है, आप जी देखिएगा जो टाइपिंग वाला है वो किस तरह से है, और हमारे सर किस तरह से समझाए हैं, और जो मार्केट में बुक है किस तरह से, छोटा जी, और भी बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि मैं एक पकड़ा हूँ, आप जब डिस्कस करेंगे तो और सारी बातें आएंगी, और उन बातों को हम बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे, और आपका प्रयास रहेगा और आपकी इसमें सहभागिता रहेगी तो, और वर्कशॉप विल नेवर कन्फाइन टू पेडागोजी ऑफ इंग्लिश बट वी विल इंक्लूड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, syntax and so on. These are the very, very important of the English language. Actually, here we are discussing about the pedagogy of English. We know, we suppose, all know, all things you know, because you have completed 10th class. And English is a compulsory for the 10th class. So, but actually, these topics are not our target, particularly for the DL exam, but we will include if you want. Okay? आप जब चाहेंगे तो हम उसको भी चर्चा करेंगे। अपने मतलब इस ग्रुप की तरफ से हम कहना चाहेंगे सर कि अदर सब्जेक्ट में भी हम लोग का वर्कशॉप कराया जाए,
और जैसे क्लासरूम से बेहतर हम लोग यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेशन से हम लोग बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगे, स्टेशन दूर जाए, बहुत सारे पॉइंट क्लियर होंगे। तो यदि आप लोगों की सहमति और आप लोगों का सहयोग रहा तो मतलब अदर सब्जेक्ट में भी कराया जाएगा। मैडम से कर चुका है यदि पेपर वगैरह चाहे इंक वगैरह की, मतलब ये हम नहीं कर रहे हैं कि संस्थान को प्रॉब्लम, यदि संस्थान को प्रॉब्लम यदि होती है तो हम लोग अपने तरफ से ना ना वही कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रहेगा मिलेगा। अंग्रेजी का शुरू हो गया ना, एक शुरू हो जाता है तो फिर बाद में चलने लगता है, तो पहला कदम हम लोग शुरू कर दिए और विषय आ ही जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग मिलकर कर सब आ जाएगा। बात हो चुकी है मैडम से, कल ही मैं परसों किया तो नहीं होगा, हम लोग क्या ये वर्क डेली के लिए नहीं है।